नमस्कार, मैं हूं कविता मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एवन न्यूज टीवी में। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते आपराधिक मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें मंत्रालय ने महिला अपराध के मामलों में पुलिस की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। ऐसे मामले में सही तरीके से काम करने और मामलों में लापरवाही न बरतने का दिशा निर्देश दिए गए हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का भी तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो सकता है। उसने DCGI से तीसरे चरण के लिए मंजूरी मांगी है। DCGI ने दूसरे चरण के डेटा मांगे हैं जिससे कि तीसरे चरण की मंजूरी दी जा सके। भारत बायोटेक ICMR के साथ मिलकर वैक्सीन पर काम कर रहा है जिसका नाम कोवैक्सीन है। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पिछले 14 दिन से जारी युद्ध रूसी हस्तक्षेप के बाद नागोर्नो काराबाख में शनिवार दोपहर से संघर्ष विराम लागू करने पर सहमत हो गए। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में 27 सितंबर को दोनों देशों के बीच संघर्ष शुरू हुआ था। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में सनसनीखेज घटना सामने आई है। नोएडा सेक्टर 120 स्थित अमरपाली जोड़ी एक सोसाइटी में हस्बैंड वाइफ ने सुसाइड किया है। बताया जा रहा है कि दोनों शेयर ब्रोकर थे, यहां रेंट पर रहते थे। करीब 6 साल पहले शादी हुई थी। एक दिन पहले रिश्तेदारों को मेल पर इस दुनिया में ना रहने की बात लिखी थी। गुरुग्राम जिले के बुधेरा गांव में एक सरकारी स्कूल के पास नहर में शनिवार सुबह को एक युवक और उसके किशोर भाई के डूबने की खबर सामने आई है। ये जानकारी पुलिस ने दी। अधिकारी के अनुसार मनदीप नहर बैंक के पास गया लेकिन पैर फिसलने से वह उसमें गिर गया। यह देख संदीप अपने भाई को बचाने के लिए नहर में कूद गया लेकिन दोनों डूब गए। गाँव गुरुग्राम से करीब 13 किलोमीटर दूर है। अगले 2 दिन देश के तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना। बताते हुए भारत के मौसम विभाग ने शनिवार को कहा है कि आंध्र प्रदेश और यनम के तटीय इलाकों, तेलंगाना और कर्नाटक के उत्तरी व तटीय इलाकों में 11-12 अक्टूबर को भारी बारिश होने का अनुमान बताया है। विजयवाड़ा में शनिवार को दामोदर गौतम सवांग पुलिस महानिदेशक आंध्र प्रदेश द्वारा कैंसर जागरूकता रन 2020 को हरी झंडी दिखाई गई। दामोदर गौतम सवांग ने कहा कि आज हमने ग्रेस कैंसर फाउंडेशन के सहयोग से कैंसर जागरूकता रन 2020 को हरी झंडी दिखाई है। आंध्र प्रदेश पुलिस भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही है और यह रन सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होगा। गोवा में एक फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक होने से हादसा हो गया है। घटना में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 4 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शनिवार को बताया कि दक्षिण गोवा में कुनकोलिम औद्योगिक एस्टेट में प्रसंस्करण इकाई में सी फूड में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ जिससे यह हादसा हुआ। कोरोना वायरस महामारी के चलते भारत में मार्च में सिनेमाघर बंद कर दिए गए थे। लंबे समय के बाद 15 अक्टूबर से फिर से थिएटर्स खुलने जा रहे हैं। थिएटर्स के फिर से खुलने के साथ विवेक ओबेरॉय स्टार पीएम मोदी की बायोपिक एक बार फिर से रिलीज की जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए अलग अलग स्तर पर लोग मदद के लिए जुटे हैं। इस दौरान अभिनेत्री शिखा मल्होत्रा ने एक नर्स के तौर पर अस्पताल में सेवाएं दी। अब जानकारी मिली है कि शिखा कोविड-19 से संक्रमित हो गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एवन न्यूज टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।